हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ इंटरप्रिटेशन वाली जो यूट्यूब की सीरीज है उसके अंदर आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक बेसिस ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन, यानी किस तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो भी कुछ सेल्फ डिटरमिनेशन उससे किया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से हम इसका एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग से ही। जैसे ये सबसे पहले 1949 में बार और बैटन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले बार बॉडी को देखा। ठीक है, अब आप याद रखिए बार बॉडी के नाम पर नाम दिया गया है, तो बार बॉडी किस तरह से जो साइटोप्लाज्म में है, सोमैटिक सेल के साइटोप्लाज्म में है, और किस तरह से बार बॉडी के द्वारा ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ डिटरमिनेशन किया जाता है। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम बेसिस पर तो है ही है कि अगर सेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल है, अगर उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स के साथ में तो वो मेल है। ठीक है, तो उसके अलावा सोमैटिक सेल से किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो दो तरीके हैं इसके, एक तो बार बॉडी का तरीका है और एक ड्रम स्टिक का है। अब हम लेते हैं बार बॉडी। 1947 में बार एंड ब्रेटन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में जो है जानकारी दी। फीमेल की जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, उन सोमैटिक सेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो उन दो एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम तो एक्टिव रहता है और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो वो इनएक्टिव हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो हेटरोक्रोमेटिन, यानी यूक्रोमेटिन नहीं रहा, वो हेटरोक्रोमेटिन हो जाता है। ठीक है, तो वो हेटरोक्रोमेटिन हो गया या इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो होता है तो वो क्या कहलाता है, बार बॉडी कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट एडजेसेंट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो कहां प्रेजेंट है, जैसे ये एटम है, सॉरी एटम नहीं, सेल है, सोमैटिक सेल है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहां पर ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट एडजेसेंट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ बार बॉडी कितनी होगी, नंबर ऑफ बार बॉडीज विजिबल एट इंटरफेस, इंटरफेस के दौरान कितनी बार बॉडी दिखेंगी ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑलवेज वन फ्यूअर देन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कितने एक्स क्रोमोसोम हैं उन एक्स क्रोमोसोम से एक कम कर दो तो वो दिखेगी नंबर ऑफ बार बॉडी। अब ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स दो क्रोमोसोम है, तो एक फ्यूअर मतलब उसके अंदर बार बॉडी कितनी दिखाई दी, एक वन बार बॉडी। ठीक है, तो यदि कोई सोमैटिक सेल है और उस सोमैटिक सेल में बार बॉडी देखी जाती है, अगर वो वन बार बॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब वो सेल किसका है, फीमेल का है, और अगर सेल है उसके अंदर बार बॉडी नहीं दिख रही है इसका मतलब वो सेल किसका है, मेल का है। तो उस सेल में बार बॉडी के द्वारा वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सेल ऑफ क्या, मेल और फीमेल, यानी सेक्स डिटरमिनेशन उससे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए नॉर्मल फीमेल के अंदर जीनोटाइप क्या होता है, नॉर्मल फीमेल में 44 ऑटोसोम्स है प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम है, तो इनके अंदर बार बॉडी कितनी होगी, दो एक्स क्रोमोसोम है तो दो में से एक माइनस कर दो, एक। अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, दो तरह के जो है सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित सिंड्रोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या हो जाता है, 44 प्लस XXY, तो 44 प्लस XXY है, तो इस प्रकार का जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला जो व्यक्ति है तो उसकी कोशिका का यदि बार बॉडी स्टडी की जाएगी तो उसमें बार बॉडी की संख्या कितनी आएगी, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी की संख्या कितनी आएगी, एक ही आएगी। ठीक है, अगर मान लो जीनोटाइप होता है 44 प्लस XXX, तो अगर 44 प्लस ट्रिपल एक्स है तो इनमें बार बॉडी की संख्या कितनी आएगी, तीन में से एक कम कर दो, यानी दो बार बॉडी की संख्या आएगी, यानी नॉर्मल फीमेल नहीं है वो। टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होता है, 44 प्लस X0, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है उसमें। ठीक है, या एक वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम कम होता है, यानी 44 प्लस X0, तो इसके अंदर इसका बार बॉडी की संख्या, ऐसे व्यक्ति में बार बॉडी की संख्या कितनी आएगी, एक ही एक्स है तो इसमें बार बॉडी नहीं दिखाई देगी। तो नॉर्मल जो मेल या फीमेल है उनकी अगर सोमैटिक सेल में बार बॉडी की स्टडी की जाती है तो उसमें अगर एक बार बॉडी प्रेजेंट है,
इसका मतलब वो फीमेल का सेल है, अगर ब्रॉड बॉडी प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब वो मेल का सेल है। बाकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी एक ही आएगी लेकिन वो नॉर्मल जो है फीमेल या नॉर्मल मेल नहीं है। और टर्नर सिंड्रोम के अंदर ब्रॉड बॉडी नहीं आएगी, जबकि इसमें लक्षण किसके होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल के हैं बट नॉट वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स। ठीक है, तो इस तरह से बार बॉडी के द्वारा जो कि साइटोप्लाज्मिक बेस हुआ, तो बार बॉडी के द्वारा जो है लिंग का निर्धारण किया जा सकता है ह्यूमन बीइंग में। अब हम लेते हैं यहाँ पर ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक जो है ये ह्यूमन ब्लड के जो न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं, तो ह्यूमन ब्लड के न्यूट्रोफिल सेल्स के अंदर फीमेल में ड्रमस्टिक प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल के अंदर ड्रमस्टिक नहीं पाया जाता है। तो ड्रमस्टिक भी एक तरह से हेटरोक्रोमेटिक मटेरियल है। तो अगर वो हेटरोक्रोमेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो किसमें प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल सेल में प्रेजेंट है ह्यूमन ब्लड के, इसका मतलब वो सेल किसका है, फीमेल का है। और अगर वो ड्रमस्टिक नहीं प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल में, इसका मतलब वो सेल किसका है, मेल का है। ठीक है, तो इस तरह से ये है साइटोप्लाज्मिक बेसिस ऑफ सेल डिटरमिनेशन स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग। तो दो चीजें आ गई इसमें, बार बॉडी के द्वारा और ड्रमस्टिक के द्वारा। ये प्रश्न एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, केवल बार बॉडी पर प्रश्न आता है कि बार बॉडी क्या होती है, बार बॉडी किसमें पाई जाती है। ठीक है, तो हमें बार बॉडी के बारे में ही केवल अगर बताना है तो हम बताएंगे कि सबसे पहले 1949 में बार और ब्रेटन नामक वैज्ञानिक ने इसका इंट्रोडक्शन दिया। और ये जो बार बॉडी है ये फीमेल के सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है, दो एक्स क्रोमोसोम पर एक बार बॉडी होती है, क्योंकि उनके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम हेटरोक्रोमेटिक हो जाता है। तो इसको जब स्टेन करते हैं तो ये ज्यादा डार्क स्टेन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमेटिक मटेरियल है वो डेंस हो जाता है, तो ज्यादा स्टेन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये बार बॉडी उपस्थित है। तो यदि सेल के अंदर बार बॉडी है, सोमेटिक सेल में बार बॉडी है, इसका मतलब वो फीमेल है, अगर बार बॉडी नहीं है इसका मतलब वो मेल है। ठीक है, तो बार बॉडी पर अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है। और बार बॉडी जो है ये कहाँ पर दिखाई देगी, जैसे बताया मैंने न्यूक्लियस के में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके पास में यहाँ पर डेंस मटेरियल होगा तो ज्यादा स्टेन होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये बनता है साइटोप्लाज्मिक बेसिस ऑफ सेल डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है,